चीन की कायराना हरकतों के विरोध में रीवा में हिंदू संगठनों और कई सामाजिक संस्थानों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन किया और स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के तहत चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की। भारत चीन सीमा विवाद के चलते पूरे देश में चीन का विरोध शुरू किया गया है। रीवा में हिंदू संगठनों ने स्वदेशी स्वावलंबन अभियान चलाया जिसमें लोगों से चीनी सामानों का बहिष्कार करने की अपील की गई। इसके साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विरोध करते हुए पुतला दहन किया गया। संगठनों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हिंदी चीनी बाय बाय का नारा दिया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने लोगों से चीनी सामान का उपयोग ना करने की अपील की। हिंदू संगठनों का कहना है कि भारत में चीनी उत्पादों का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है जिसको बंद करना होगा। चीन को आर्थिक तौर पर कमजोर करना होगा। चीन द्वारा बनाई गई वस्तुओं के उपयोग से चीन को फायदा होता है और वह इसका उपयोग हमारे भारतीय सैनिकों के खिलाफ कर रहे हैं। देश में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ाने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। इस दौरान कई व्यापारिक संगठनों ने भी चीन का सामान का बायकॉट करने की बात कही। जागरूकता अभियान चलाने के लिए हमने अपने जिले में चीनी सामान की सामग्री के और चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाने का आज कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में रीवा नगर में हम 5 कार्यक्रम कर रहे हैं। सिर्फी प्लाजा में 3 बजे हमने पुतला जलाया, 4 बजे दबिया टंकी में, 5 बजे यहाँ से मौज चौराहा में, 6 बजे हम जलाएंगे PTS चौराहा में और 7 बजे न्यू बस स्टैंड। इस प्रकार के कार्यक्रम हम लगातार कर रहे हैं। जनता में जन जागरण रहने के लिए हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के तहत रीवा जिले में रीवा शहर के 5 जगह चीनी उत्पादों का बहिष्कार के अनुक्रम में चीनी वस्तुओं के जलाने का कार्यक्रम है और इसमें शी जिनपिंग का पुतला भी जलाया जाएगा। इसी कार्यक्रम के तहत 3 बजे अपने सिल्वी प्लाजा में और 5 बजे भी सिरमौर चौराहा में पुतला दहन हुआ, चीनी उत्पादों को जलाया गया और इसके बाद अगला कार्यक्रम हमारा PTS चौराहा है, इसके बाद फिर नए बस स्टैंड में जलाया जाएगा। इसके अंतर्गत आज पूरे रीवा जिले में और अपना इस प्रकार का कार्यक्रम चला है। पूरे विभाग की ऐसी योजना थी और सभी खंड स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसमें सभी संगठन के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कारवा श्री रमेश जी, अपने जिला के जिला कारवा ज्ञानेन्द्र सिंह जी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, मजदूर संघ के कार्यकर्ता, विद्या भारती के कार्यकर्ता, ऐसे जितने संगठन हैं सभी संगठनों के सहयोग से ये कार्यक्रम पूरे देश भर में संपन्न किया जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।